नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको भदोही से, जहां युवती को गोली मारकर हत्या की घटना में शामिल दो हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे। घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि खबर भदोही जिले से है, जहां सूर्यावा थाना क्षेत्र के विंदनगर क्रांति रामपुर गांव निवासी नाबालिग युवती, जिसकी उम्र करीब लगभग 16 वर्ष के पास है। आपको बता दें, गांव के युवक पांचू उर्फ अरविंद विश्वकर्मा, पुत्र शारदा प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी मीनापुर थाना ऊंच द्वारा गांव के बाहर खेत में सिर में गोली मार दी गई थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दो हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं DIG व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस मुखबिर के आधार पर बीरमपुर तिराहे के पास से वांछित हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी कि अभियुक्त के मोटरसाइकिल से आते दिखे। पुलिस द्वारा रोकने पर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्तों, जिसमें अरविंद विश्वकर्मा और पंचू पुत्र शारदा विश्वकर्मा, निवासी ग्राम मीनापुर थाना ऊंच जनपद भदोही, दूसरा अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा और दारा पुत्र शारदा विश्वकर्मा, निवासी ग्राम मीनापुर थाना ऊंच जनपद भदोही को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपको बता दें, गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, अवैध तमंचा, मैं दो अदद खोखा कारतूस व मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद किया है। इस मामले में और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार ने, आप सुनिए। कल शाम में थाना सूर्यावा में एक किशोरी की गोली मार के हत्या की सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस कर्मचारी अधिकारी और हमारी फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उसमें जांच के दौरान ये सामने आया कि पास के ही एक युवक की भूमिका उसमें सामने आ रही थी। परिजनों ने दो युवकों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और 12 घंटे के अंदर जो पुलिस की टीमें गठित थी, उन्होंने दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया है। ये जो अभियुक्त है, उसने पूछताछ में बताया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और इसमें पुलिस आगे त्वरित और प्रभावी पैरवी करके जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जाएगी।